अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड फैक्ट्री। आज मैं आपके साथ देगी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी, जो मैं मटन में बना रही हूं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 kg मैंने मटन लिया है, उसको अच्छी तरह धो लिया है, और 1 अदद टमाटर जो है दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने काट लिया। सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत। इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 मोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च वो डालूँगी। गरम मसाला, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, अदरक और हरा धनिया गार्निश के लिए, आलू 2 से 3 अदद, उनको मैंने काट लिया। पानी इसमें हसबे ज़रूरत चाहिए होगा, आलू को काट के पानी में रख लें। प्याज मैंने 2 से 3 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और 1 लहसुन की गट्ठी ली है, उसको भी मैंने छील लिया। तो आए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले मैं प्रेशर में मटन और जो है टमाटर वो डालूँगी, लहसुन और प्याज वो डाल दें, अदरक का टुकड़ा मैंने क्रश किया हुआ है उसको डाल लिया, सुरह मिर्च, नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च वो डाल दें, और इसमें जो साबुत मसाले हैं वो भी डाल दें, ये आप ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट जो है चेंज होगा और बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगा। और इसमें 1/2 ग्लास तकरीबन पानी डाल के मैं प्रेशर को बंद करूँगी। ये देखें, 4 से 5 मिनट के बाद अच्छी तरह से गोश्त भी गल चुका है, लेकिन हड्डी से अलग नहीं हुआ। अब इसके अंदर मैं घी शामिल करूंगी, 1/2 से 1/4 कप घी का जो है वो इसमें मैं शामिल करूंगी। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। पाँच से छः मिनट भूनने के बाद मीडियम आग पे इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच दही के फेंट के वो इसमें शामिल करूंगी। टमाटर क्योंकि मैंने पहले शामिल कर लिया था, इस टाइम पे मैं इसमें दही शामिल करूंगी, इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी। अब इसके अंदर आलू जो है वो शामिल कर दें। इसको मज़ीद भूनें। अब इस टाइम पे इसके अंदर हरी मिर्चें काट के 1-1 कट लगा दें इनके अंदर, वो डाल दें 3 से 4 अदद। घी अलग हो चुका है। इस टाइम पे मैं हसबे ज़रूरत इसमें पानी शामिल करूँगी, जितनी आपको इसकी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर लें। अब मैं प्रेशर बंद नहीं करूँगी, इसको मैंने वैसे ही कवर करके पकाया है। 5 से 6 मिनट में तकरीबन आलू जो हैं गल चुके हैं। ये देखें, मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।